दादा पीछे बैठे कवियों के लिए एक मुक्तक है कि हिंद तरुवर में बहुत सी, हिंद तरुवर में बहुत सी डालियां संलग्न हैं, विविध सुमनों से सजी हर टहनियां अतिमग्न हैं, सुमन से बनते रसीले फल रसिक बन झूमते, हिंद में हिंदी के फल सब एकता रसमग्न है, हिंद में हिंदी के फल सब एकता रसमग्न है। दादा श्री प्रकाश पटेरिया और दादा अर्जुन सिसोदिया बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, उस पर चार एक मुक्तक है, चार पंक्तियां हैं कि केवल अनुभव होने से, केवल अनुभव होने से अनुमान नहीं बनते हैं, चंद जुगनुओं के कारण दिनमान नहीं बनते हैं, केवल अनुभव होने से अनुमान नहीं बनते हैं, चंद जुगनुओं के कारण दिनमान नहीं बनते हैं, अच्छे कर्मों संग अच्छा परिवेश बनाना पड़ता है, सुंदर प्रतिमा होने से प्रतिमान नहीं बनते हैं, सुंदर प्रतिमा होने से प्रतिमान नहीं बनते हैं। और एक भारतीय राजनीति में अभी दो वर्ष पहले एक घटना हुई थी पुलवामा, उस पर बोलना चाहूंगा, कुछ अपने लिए, कुछ अपने लोगों के लिए और कुछ उन लोगों के लिए जो देश के अंदर होते हुए भी आघात करते हैं, कि जो बिके विदेशी साजिश पर, बोलो कैसी खुददारी है, जो बिके विदेशी साजिश पर, बोलो कैसी खुददारी है, कलियां सिसकी लुट गए फूल ये कैसी पहरेदारी है, जो बिके विदेशी साजिश पर, बोलो कैसी खुददारी है, कलियां सिसकी लुट गए फूल यह कैसी पहरेदारी है, कहने को हो तुम देशभक्त, क्षमा करिएगा, कहने को हो तुम राष्ट्रभक्त, क्यों मां का खून जलाते हो, जिस घर के पहरेदार हो तुम क्यों उसमें आग लगाते हो, जिस घर के पहरेदार हो तुम क्यों उसमें आग लगाते हो, और कहलाते तुम देशभक्त हो, कहलाते तुम लोक पुजारी, संविधान की हत्या करते और कराते हो बमबारी, और राजनीति के चौराहों पर नेताओं की भीड़ खड़ी है, भगत सिंह की इस धरती पर भारत मां असहाय पड़ी है, भगत सिंह की इस धरती पर। अब उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि मुझे अपराधी कह दिया, तो उस पर एक मुक्तक लिखा, वाद किया है तो क्या तुमको वादी नहीं कहेंगे, वाद किया है तो क्या तुमको वादी नहीं कहेंगे, हो उन्माद विचारक तो उन्मादी नहीं कहेंगे, वाद किया है तो क्या तुमको वादी नहीं कहेंगे, हो उन्माद विचारक तो उन्मादी नहीं कहेंगे, स्वार्थ के कारण होती जो बर्बादी नहीं कहेंगे, अपराधी को क्या अब हम अपराधी नहीं कहेंगे, अपराधी को क्या अब हम अपराधी नहीं कहेंगे, और होश में कहने लगे तो सब हुए मदहोश हैं, क्यों बताओ क्यों हमारे रक्त में आक्रोश है, आक्रोश से ज्यादा सभी को सत्य से क्या रोष है, सत्य जब कहने लगे तब क्या हमारा दोष है, सत्य जब कहने लगे तब क्या हमारा दोष है, दोष ही है यह हमारा जो अभी तक मौन है, दोष ही है यह हमारा जो अभी तक मौन है, कौन है अपने लिए और देश के हित कौन है, कौन है अपने लिए और देश के हित कौन है, कौन कहता है अभी तक हम यहां जिए नहीं, कौन कहता है अभी तक राम हुए नहीं, कौन कहता है यहां अधिकार किसका पहले है, कौन कहता है यहां हम देश से भी पहले हैं, जो कहेंगे वह सुनेंगे आप भी कह लीजिए, हम खड़े हैं यहीं खड़े हैं आप भी कह लीजिए, हम खड़े हैं यहीं खड़े हैं आप भी कह लीजिए, आज भी सब क्रांतिकारी हैं हमारी याद में, देश पहले ही रहेगा हम रहेंगे बाद में, देश पहले ही रहेगा हम रहेंगे बाद में। और एक मुक्तक और है कि कवि हिंदी के ऊपर है कि कवियों के कलम की पहचान है हिंदी, भारत की आन बान और शान है हिंदी, और मातृभूमि के ललाट पर खींची जो रेखा है, मातृभूमि के ललाट पर खींची जो रेखा है, उनमें से एक नव प्रतिमान है हिंदी, उनमें से बहुत अच्छे।